हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिव्यूज़ अड्डा में। और मैं हूं सोनू राघव और आज हम रिव्यू कर रहे हैं लिवोसिट्राजिन टैबलेट का। तो दोस्तों इसको हम लीसेट टैबलेट के नाम से भी जानते हैं। तो आज आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है लिवोसिट्राजिन टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों आज मैं आपको इसकी MRP के बारे में, इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसको किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में, इसकी डोजेस क्या हैं, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दवाई में जितना होगा दम सब बताएंगे हम। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों पूरी जानकारी लेते हैं लिवोसिट्राजिन टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब भी आप इसको परचेज करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बायोकैम कंपनी की ही ख़रीदें, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा अच्छी आती है दोस्तों। और इसकी MRP की बात करें तो दोस्तों ये देख लीजिए 68 रुपीज़ का ये हमें पूरा स्ट्रिप मिल जाता है, जिसमें 10 गोलियां आती हैं दोस्तों। और आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों क्योंकि ये खुद एक एंटीबायोटिक टैबलेट है तो इसके साइड इफ़ेक्ट कोई ज़्यादा नहीं है दोस्तों। और इसके साइड इफ़ेक्ट नॉर्मल से हैं कि स्किन रैशेज जो है आपके थोड़े बढ़ सकते हैं, या आपको कब्ज हो सकती है, या थोड़ी नींद आ सकती है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होती है तो इसको लेना तुरंत बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लेकर उसके बाद में आप इसको इस्तेमाल करें दोस्तों। उसके बाद हम इस आपको जानकारी देते हैं कि इसको हम किस लिए, किस प्रॉब्लम में हम इसको इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो एलर्जी से जुड़ी समस्याओं के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, जैसे खुजली हो गई, स्किन रैशेज हो जाते हैं, सर्दी हो जाती है, ज़ुकाम हो जाता है, या बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती हैं, बहुत 10-10, 20-20 छींक पूरे दिन में आ रही हैं, तो हम उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। या नाक व आँख से पानी बहता है, आँखों में जलन रहती है, या आँखों में रेडनेस हो जाती है, या फंगल इन्फेक्शन से जो खुजली हो जाती है दोस्तों, उसमें हम इस टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसके डोजेस के बारे में कि इसके डोजेस कैसे लेने हैं दोस्तों। तो 10 साल से ज़्यादा बड़े जो भी लोग हैं, 10 साल से बड़े बच्चे हैं, तो वो एक एक गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं दोस्तों। और 5 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं वो आधी आधी टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं दोस्तों। तो यही थी आज के हमारे इस वीडियो में लिवोसिट्राजिन टैबलेट की पूरी जानकारी और यही था इसका रिव्यू। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।